回身。कॉमेडी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमेशा से ही दर्शक फेवरेट शो रहा है। टीआरपी की रेस में टॉप पर रहने वाले इस शो में इस वक्त दिखाया जा रहा है कि गोकुल धाम के निवासी सलाखों के पीछे जा पहुंचे हैं। तारक सहित पोपट, सोडी और भिड़े सभी जेल में बंद है। ऐसे में जब वे अपनी मदद के लिए अपने परिवार को बुला रहे हैं, दरअसल शो में दिखाया जाता है कि बावरी को कुछ गुंडे छेड़ रहे होते हैं, तभी गोकुल धाम के निवासी उन्हें हरकत करते देख लेते हैं। इसके बाद सोडी को गुस्सा आ जाता है, वो साथ में तारक और पोपटलाल को कहता है कि चलो इन्हें छोड़ेंगे नहीं। तभी कुछ ऐसा होता है कि गुंडे बाहर और गोकुल धाम के निवासी पहुंच जाते हैं जेल के अंदर। अब ऐसे में क्या जेठालाल इन लोगों को बचाने के लिए आएंगे? कैसे बाहर निकलेंगे तारक मेहता, पोपटलाल, भिड़े और सोडी? शो में जब इन लोगों के घर वालों को इस बारे में खबर होती है तो सारे गोकुल धाम वासी भी पुलिस स्टेशन आ पहुंचते हैं। ऐसे में तारक अंजलि के सामने बताते हैं कि वो जेल के अंदर कैसे जा पहुंचे। बता दें, शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इस वक्त दया बहन की कमी सभी को खल रही है। फैंस आए दिन दया बहन से जुड़े सवाल पूछ रहे हैं कि शो में दया बहन कब आएंगी, लेकिन मेकर्स इस और कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। हाँ, कुछ एपिसोड पहले शो में दया बहन को लेकर जेठालाल जिक्र करते नजर आए थे कि दया जल्दी ही घर वापस आ रही है। शो में दिखाया गया है कि दया अपनी माँ के पास गई है। फिलहाल दर्शक दया बहन की वापसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।